channel Irina Instant Education, right? And I hope you all are well, doing well. सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? Okay. तो आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में, आपके इस चैनल में. और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है. लास्ट वीडियो में मैंने कुछ रूल्स आपको एक्सप्लेन किया था विद एग्जाम्पल्स, और उसी को मैं प्रोसीड करूंगी इस वीडियो में भी. हम लोग और आगे पढ़ेंगे कुछ रूल्स एंड विद एग्जाम्पल्स, राइट? ओके. एग्जाम्पल्स के साथ जब रूल्स पढ़ लेंगे उसके बाद लास्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा स्पॉटिंग एरर. रूल्स पता चल जाएंगे तो स्पॉट तो कर ही लेंगे एरर, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर आपके आते हैं. अच्छा, रूल नंबर 11, 10 तक मैंने आपको कर दिया था. रूल नंबर 11 क्या है? If the noun followed is uncountable, the verb used will be singular. Countable था तो कैसा होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में दिया, और अनकाउंटेबल होगा तो वो कैसा होगा, वो इसमें होगा. अनकाउंटेबल होगा तो क्या होगा? If the noun followed, जो भी noun हो रहा है वो uncountable है. Uncountable कौन सी होती है? जो हम गिन नहीं सकते, जैसे milk हो गया, sugar हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें जो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है. उनके साथ हमेशा जो भी वर्ब लगता है अनकाउंटेबल नाम के नाउन के साथ, जो चीजें गिन नहीं सकते, शुगर, मिल्क, बटर, ये सब चीजें हैं, इसके ये काउंटेबल नहीं है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, ठीक है. एक और एग्जांपल, जैसे हेयर, बाल, बाल हम गिन नहीं सकते, उसके बाल काले हैं, ठीक है, ये चीज बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, उसके बाल काले हैं, तो बाल अगर सारे बालों की बात हो रही है तो हेयर इज ब्लैक. लेकिन उसमें अगर दो क्वालिटी हो गई कि उसके सारे बाल तो काले हैं लेकिन एक सफेद है, जब दो क्वालिटी बोल देते हैं तो उसमें प्लूरल आता है. वो भी मैं एग्जांपल दे दूंगी आपको. फिलहाल आपका एग्जांपल मैं इसका दूं, अनकाउंटेबल अगर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द sugar was wet with water. अब यहाँ पे most of the sugar क्या है? uncountable noun है, इसलिए यहाँ पे was आया. अगर यहाँ पे आपको verb दे दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, was आएगा. singular में आया तो was, plural में आएगा तो verb, ठीक है. तो अगर आपको शुगर आप देख लेंगे, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, दैट मींस जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा न कि प्लूरल, राइट? एक और एग्जांपल दे दी हूं, जैसे लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध, लॉट ऑफ मिल्क, बहुत सारा दूध इस्तेमाल हो गया, तो वॉज used, बहुत सारा माल यूज हो, बहुत सारा मिल्क, बहुत सारा दूध यूज हो गया, तो बहुत सारा है तो यहाँ पे अगर हम वर्क कर देंगे, बहुत सारा दूध इस्तेमाल हो गए, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा. आपको जब स्पॉटिंग एरर में आपको इसी तरह से दिया, बहुत सारा दूध खत्म हो गया, यूज हो गया, तो ये वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे कभी भी प्लूरल नहीं लगाएगा, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है. मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क कितने लीटर है वो लीटर्स काउंट कर सकते हैं, दूध नहीं, एक दूध, दो दूध, चार दूध नहीं बोलते हैं. या शुगर, एक चीनी, दो चीनी, चार चीनी नहीं बोलते हैं, हम लोग किलो में करते हैं, एक किलो, दो किलो, हाफ किलो, आधा किलो, ठीक है. तो ये चीनी को हम एक चीनी दे, दो चीनी दे, चार चीनी, वो नहीं होता है. अगर एक चीनी का दाना भी होगा तो हम एक चीनी नहीं बोलेंगे, फिर एक चीनी का दाना, एक बिट ऑफ, उसमें पीस ऑफ, इस तरह से आता है. तो अनकाउंटेबल चीज के साथ, जैसा कि मैंने बोला, अनकाउंटेबल अगर नाउन होगा, शुगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब है आपका हो गया सिंगुलर, दैट मींस वॉस. इज भी लग सकता है, अगर है किया तो इज हो जाएगा, वॉस किया तो पास्ट होगा तो वॉस हो जाएगा, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. Now next rule number 12, the relative pronouns actually होता क्या है? Relative pronouns वो होता है जो आपका relation बताता है. कैसे? दो sentence के बीच में, जैसे relation, यही वो आदमी है जो कल आया था, तो
आदमी का और कल आने वाले आदमी का कनेक्शन दिखाया, यही वो बुक है जो तुमने दिया था। तो इस तरह के जो हु whom विच दैट दिस इज द बुक दैट आई बॉट yesterday, यही वो किताब है जो मैंने कल खरीदा। तो इसमें दो सेंटेंस को क्या किया हमने, मैं ये बुक है, दिस इज अ बुक, जैसे दो सेंटेंस बता दिया, दिस इज अ बुक आई बॉट इट yesterday, ये किताब है मैंने से कल खरीदा, तो यही वो किताब है जो मैंने खरीदा। तो दैट लगा देंगे बीच में, बेजान चीज के लिए दैट लगता है, जानदार चीज के लिए हु लगता है, यही वो आदमी है, दैट नहीं आएगा वहां पे, हु आ जाएगा। यही भी किताब है, तो हु माने जिसको, विच माने जो, बेजान चीज के लिए विच भी आता है और दैट भी आता है, जिसमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। ठीक है, इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं तो या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, किस पर डिपेंड करके, उस पर निर्भर करेगा जो वर्ड रिफर करा जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, जो जिसे जो करके, अगर हम जो या जिसे करके जो भी बोल रहे हैं, अगर वो प्लूरल में, अगर वो सिंगुलर में है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल में आ रहा है तो वो प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल दोनों का ही दे दे रही हूं, जैसे मान लीजिए इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल, for the loss, ये वही है, ये वो है जिस जो जिम्मेदार है लॉस के लिए। अब ही देखिए, ही क्या है, प्लूरल है क्या, ही माने वो तो प्लूरल में नहीं आया, वो सिंगुलर में आया, तो अगर ये सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आ गया, ये जो करके बात किसकी हो रही है, ही की, जो करके, ये जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, ये जो करके बात किसकी हो रही है, ही की, इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया इज, ये आपका वर्ब हो गया इज। ये अगर बहुत सारे लोगों की बात दे कर देते, अगर हम यहाँ पे दे कर देते तो यहाँ पे हो जाता आर। एक और सेंटेंस के साथ बता दे रही हूँ, इसी में एक में नहीं बताऊंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ये वही वो है जो, ये वही है या ये वही है जो जिसके वजह से, जो घाटे का जिम्मेदार है, यानी जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार एक वही है जिस जो इस नुकसान का जिम्मेदार है, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सिंगुलर था ही, तो हमने इज लगा दिया। अगर प्लूरल होगा, जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस दिया, द बुक्स that are here are mine, क्यों आया? अब यहां पे जो नाउन है वो क्या है, नाउन आपका है प्लूरल, नाउन क्या है, नाउन आपका प्लूरल है, बुक्स बेजान चीज है तो उसके लिए दैट लगाया, ये किताबें जो यहां पे है वो मेरी हैं, वर्ब आपका क्या हुआ, वर्ब आपका क्या हो गया, प्लूरल, व्हाई, बिकॉज द नाउन इज ऑल्सो प्लूरल, दैट मीन्स इफ योर नाउन इज सिंगुलर योर वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर, राइट, दिस इज नाउन प्लूरल नाउन, दिस इज सिंगुलर नाउन, दिस इज प्लूरल वर्ब, दैट मीन्स इसमें इट कैन आइदर बी सिंगुलर और बी प्लूरल, एनीथिंग कैन बी रिटन, just you'll have to see whether the noun which is being used is singular or plural. If the noun which is being written, which has been referred to, is singular, then you can write singular noun, you can use singular verb, and if the noun which is referred to is plural, you can use plural, you'll have to use plural verb. So now noun singular hoga
तो वर्ब भी सिंगुलर होगा क्योंकि ही से पता चला एक की बात हो रही है, इसलिए हमने लगा दिया इज। अब ही के साथ आपको इज और आर दोनों दे दिया जाएगा तो आप समझ लीजिएगा नहीं, हु के साथ जो हमने जिसको रेफर कर रहे हैं, जो करके जिसकी बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, ये सिंगुलर है तो इज आ गया। और यहाँ पे दैट करके जो हम बोल रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा दिया, दैट लगा दिया, तो वो किताबें जो यहाँ पे है वो मेरी है, तो जो के लिए हमने क्या बनाया बुक्स की बात कर रहे हैं, बुक्स प्लूरल नाउन है इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल लगा दिया। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा है। यहाँ पे क्या बताया, नाउन अनकाउंटेबल, कोई भी अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते वो जब भी यूज होगा तो उसके साथ जो भी वर्ब होगा वो हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज विल बी यूज्ड सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन। एंड अगर रिलेटिव प्रोनाउन इस तरह के अगर यूज होते हैं तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, मतलब अगर जिसको हम रेफर कर रहे हैं हु या जो करके जिसे करके ये रेफर कर रहे हैं वो अगर एक की बात हो रही है तो हम इज लगा देंगे, इज या वॉज, प्रेजेंट हुआ तो इज, पास्ट हुआ तो वॉज। और अगर जो करके हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अगर प्लूरल है बहुवचन है तो हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, आर प्रेजेंट हुआ तो आर, पास्ट हुआ तो वो, ठीक है। अच्छा रूल 12 आपका हो गया, नेक्स्ट रूल हम करेंगे रूल नंबर 13, रूल नंबर 13। अच्छा नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, हमारा फॉलोइंग इनडेफिनेट वर्ड्स कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। इनडेफिनेट वर्ड्स क्या होता है, इनडेफिनेट माने अनिश्चित, जिससे हमें पता नहीं चलता। ऑल करके किन ऑल लोगों की बात हो रही है, किन लोगों की बात हो, जैसे हमने कहा ऑल द पीपल, तो ये ऑल किसके लिए यूज हुआ, पीपल के। ऑल द चिल्ड्रन, तो हमें पता चल रहा है वो सारे बच्चों की भी बात हो रही है, ये ऑल वर्ड यूज किसके लिए हो रहा है, बच्चों के लिए। लेकिन अगर किसी में ऑल पता नहीं चलता है कि ऑल हुआ किसके लिए यूज, तो वो इनडेफिनेट कहा जाता है। जब किसके लिए वो ऑल या फिर इनफ या मोस्ट या सम, जब किसके लिए पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज हुआ है वो पता नहीं चलता है तो क्या होता है, कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। अगर जिसकी बात कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है ऑल करके बात तो पता नहीं चलता है, लेकिन इनडेफिनेट होता है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो समझेंगे कैसे, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी लगा दें नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब विल ऑल्सो भी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब विल ऑल्सो भी प्लूरल। Following indefinite words can have singular or plural verb. If the subject is singular, verb will also be singular. If the subject is plural, then a verb will also be plural. ऐसे words कौन से हैं? Such commonly words used are. ऐसे common words जो use होते हैं उसपे कैसे? जैसे जैसे हम कभी बोलते हैं किसी ने मेरा bike चुरा लिया, तो ये सम, सम करके यहाँ पे बात किसकी हो रही समझ में नहीं आ रहा है, किसको रिफर किया है, सम, उसको शायद कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कौन सी है वो नहीं पता। ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम, ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो ये कुछ किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम के लिए, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, तो ये सम इसमें आ जाएगा। ही हैज न कि हैव, ही हैज सम प्रॉब्लम, हैज आएगा, ही आया तो has, they आया तो have, ठीक है जी, कि इस चीज को समझिए अच्छे से। उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको करके हम एक की बात कर रहे हैं तो ही शी हो जाएगा, तो has some problem, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ का यूज हम कर रहे हैं उसके प्रॉब्लम के लिए, वो प्रॉब्लम कुछ कौन सी है, प्रॉब्लम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम के लिए सम का यूज हो रहा है तो वो हो जाएगा सिंगुलर। और अगर उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो दे आ जाएगा, तो दे के साथ आ जाएगा हैव, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे समझ लीजिए, मैं लिख के दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने दिया ही, इसको लिख के दे रही हूँ, ही हैज
सम प्रॉब्लम. कुछ क्या है? क्या कुछ? वो नहीं, कुछ प्रॉब्लम. कुछ वो के लिए यूज नहीं हो रहा है. ये सम जो है वो इसके लिए यूज नहीं हो रहा है, ये इसके लिए यूज हो रहा है. कुछ, ये कुछ का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉब्लम के लिए. तो अगर यहाँ पे ही है, सिंगुलर है, तो इस सिंगुलर नाउन को देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए हम यहाँ पे हैज कर देंगे. नाउन ये सिंगुलर, ये आपका जो ये है ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब भी आपका सिंगुलर, वर्ब भी आपका सिंगुलर हो जाएगा. और अगर इसी चीज को जैसे हमने कहा दे और ये सम प्रॉब्लम, एक ही चीज जैसे दिया मैंने सम प्रॉब्लम, तो ये कुछ प्रॉब्लम किसकी है? ये कुछ प्रॉब्लम किनकी है? इन लोगों की. तो यहाँ पे अगर हैज आएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? हैव. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दे हैव. They have. क्यों? ये आपका क्या है? ये प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल हो गया. ये भी प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर है. ठीक है, इस तरह से आता है. जैसे एक और जैसे सेंटेंस दूं, जैसे ऑल शी वॉन्ट्स All she wants is to be happy. To be happy. कुल मिला के वो जो चाहती है, क्या चाहती है वो पता नहीं है, बस इन ऑल कुल मिलाकर वो केवल खुश होना चाहती, खुश रहना चाहती है. She wants to be happy. कुल मिला के बस बात ये है कि इन ऑल कहते ना, इन ऑल या ऑल शी wants is to be happy, कि वो कुल मिला के वो चाहती है कि वो खुश रहे. तो ये कुल कौन सी कुल है, कौन से की बात हो रही है, वो रिफर किसको करा जा रहा है, वो नहीं दिया है. इसलिए ऑल का जो यूज है वो इनडेफिनेट वर्ड हो गया. इसको हम इनडेफिनेट चीज है. ठीक है, इनडेफिनेट है ऑल जो है वो इनडेफिनेट हो गया. ये ऑल कुल मिला के वो जो चाहती है, बस कुल मिला के वो चाहती है कि वो खुश रहे. तो ये कुल किसके लिए हुआ है, कौन से कुल की हुआ है, कौन से किसको रिफर कर रहे हैं, क्या चाहती है, वो हमारा अनिश्चित है, वो समझ में नहीं आ रहा है. इसीलिए यहाँ पे हो गया ये आपका इज. ऑल शी वॉन्ट्स, ये शी क्या है, सिंगुलर है, तो ये भी हमारा सिंगुलर हो गया. शी सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर हो गया. ठीक है, यही बोला है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. ठीक है, इन वर्ड्स की बात हो रही है. ये वर्ड्स एनी, इनफ, सम. ठीक है, जैसे एनी से मैं एक सेंटेंस दे रही हूं, एनी फ्रेंड ऑफ योर्स इज माइन. कोई भी फ्रेंड जो तुम्हारा है वो मेरा भी है. अभी तुम्हारा, कोई भी फ्रेंड जो तुम्हारा है, एनी का यूज आ गया, तो ये भी आपका आएगा सिंगुलर. ठीक है, एनी, ऑल, इनफ, मोस्ट, सम, इस तरह के वर्ड्स जब यूज होंगे और किसके लिए, जैसे हमने कहा गिव मी सम शुगर, तो ये सम किसके लिए यूज हो रहा है, शुगर के लिए, तो वहां पे नहीं होगा गिव मी सम शुगर. जैसे अभी सेंटेंस किया था मोस्ट ऑफ द शुगर, ज्यादातर शुगर, तो मोस्ट किसके लिए यूज हो रहा है, शुगर के लिए, तो वहां पे नहीं होगा, क्योंकि हमें मोस्ट पता है किसके लिए, ज्यादातर या मोस्ट यूज किसके लिए हो रहा है, शुगर के लिए यूज हो रहा है, तो वहां पे नहीं होगा, वो इनडेफिनेट वर्ड नहीं आएगा. इनडेफिनेट वर्ड इस तरह से, कोई भी दोस्त जो तुम्हारा है वो मेरा भी है. तो ये कोई भी दोस्त, कौन सा दोस्त, रेफर किसको कर रहे हैं, वो नहीं दिया है. तो इस तरह के वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, ऑल, एनी, इनफ, मोस्ट, सम, इस तरह के वर्ड्स आते हैं. तो सब्जेक्ट देखते हैं, दे दिया है प्लूरल तो हम यहाँ पे हैव कर दिया, ही है सिंगुलर तो हैज कर दिया, शी दे दिया है तो इज कर दिया, योर्स कर दिया तो इज आ गया, तुम्हारा, तुम्हारा में बहुत सारे नहीं आते. ठीक है, योर्स. ये हो गया आपका रूल नंबर 13. अब हम लोग करेंगे रूल नंबर 14. इफ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, झुंड में,
टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, असेंबली हो गया, पार्लियामेंट हो गया, फ्लॉक ऑफ शीप हो गया, झुंड, बंच ऑफ कीज हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, कोई भी चीज जो कलेक्टिव नाउन में आता है. तो कोई भी कलेक्टिव नाउन, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे और भी होते हैं, ठीक है, ज्यूरी, असेंबली, पार्लियामेंट, कमिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दो, क्योंकि और बहुत सारे होते हैं ये तो. कमिटी एक्सेट्रा, कमिटी एक्सेट्रा. तो क्या बोला, अगर कलेक्टिव नाउन, जो भी कलेक्टिव नाउन का यूज हो रहा है, और जैसे कि असेंबली, ज्यूरी, पार्लियामेंट, कमिटी, ये जो कलेक्टिव नाउन है, अगर वो एक होकर एक काम को कर रहे हैं, किसी पॉइंट में वो सब एक हैं, उनका डिसीशन हो, उनकी ओपिनियन हो, उनका जो भी वर्क डन, जो भी वो काम कर रहे हैं, अगर सब एक ही काम को कर रहे हैं, तो वहां पे होगा सिंगुलर. लेकिन झुंड में तो है, लेकिन वो अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां पे आपका हो जाएगा वर्ब होगा प्लूरल. नाउन ज्यूरी असेंबली रिफर्स टू सिंगुलर नाउन, द वर्ब यूज विल बी सिंगुलर. अभी तो सिंगुलर का बताऊं, और अगर रिफर करेगा प्लूरल को तो प्लूरल होगा. कैसे, ये दूसरा, जैसे इसका बता दो, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर. कैसे, एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, द ज्यूरी वॉज वन एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे ज्यूरी का एक मत था. ज्यूरी इस पॉइंट पे, देखिए ज्यूरी यहां पे द ज्यूरी दिया है, यहां पे हो गया आपका सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब. ज्यूरी जब एक थे, वन बने क्या हुआ, एक, वन बने उनका एक, किसी पॉइंट पे पूरी ज्यूरी का एक डिसीशन था, सेम डिसीशन था, मत का अंतर नहीं था, ओपिनियन में डिफरेंस नहीं था. तो ऐसे में जो भी हम वर्ब यूज करेंगे वो होगा सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर वर्ब. और एक और एग्जांपल देती हूं, जैसे मान लीजिए द कमिटी हैज टेकन दिस डिसीशन, taken this decision on its own interest, own interest. मतलब कमिटी ने ये अपने इंटरेस्ट पे, अपनी रुचि के लिए ये फैसला लिया. तो कमिटी ने मिलकर एक फैसला लिया, तो as आपका हो गया सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब. कमिटी ने एक ये डिसीशन लिया, कमिटी ने डिसीशन लिया अपने इंटरेस्ट पे, अपने रुचि पे, अपने इंटरेस्ट पे, अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, ठीक है, अपनी भलाई के लिए. तो यहाँ पे एक डिसीशन लिया, यहाँ पे ये इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा कि सबकी अलग अलग डिफरेंस, अलग अलग डिसीशन है, ऐसा नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो यहाँ है हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कमिटी ने ये डिसीशन लिया, कमिटी ने डिसीशन लिया, माने एक कमिटी है और उसने सबने ये डिसीशन लिया इस अपनी भलाई के लिए, ये हैज हो गया, ठीक है. और अगर प्लूरल होगा, इफ द, यही चीज मैं रूल नंबर 15 करके दे दे रही हूं, इफ द कलेक्टिव नाउन, इफ द कलेक्टिव नाउन, यही चीज है ज्यूरी और बाकी जो असेंबली ये सब जो है, रिफर्स टू प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, द वर्ब यूज विल बी, द वर्ब यूज विल बी प्लूरल. हाउ, कैसे, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने बोला कमिटी जो, सॉरी कलेक्टिव नाउन, अगर एक ही काम, पूरा पूरा टीम, पूरा असेंबली, ज्यूरी, एक ही काम, सबका काम एक ही है, झुंड में एक ही चीज कर रहे हैं,
सबका डिसीजन एक है तो वहां पे हो गया सिंगुलर नाउन, अरे आई एम सॉरी सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पे सेम कमिटी ने डिसीजन लिया, यहाँ पे सिंगुलर कमिटी ने एक ही डिसीजन लिया तो ये हो गया हैज। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन ज्यूरी या पार्लियामेंट असेंबली फ्लॉक टीम अगर रिफर करता है प्लूरल नाउन को तो वर्ब यूज हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल नाउन माने जैसे मान लीजिए मैंने दिया एग्जाम्पल, जैसे दे रही हूँ प्लूरल नाउन नहीं बोलेंगे, प्लूरल उनका जो अलग अलग लाइक मान लीजिए जैसे दिया द ज्यूरी वर डिवाइडेड एट दिस पॉइंट, द ज्यूरी वर डिवाइडेड एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट एंड could not agree to the verdict, could not agree to the verdict, verdict माने decision, agree नहीं कर रहे हैं। jury में जो decision लिया है वो divided थे इस point पे, इस मामले पे jury की decision अलग अलग थी, वो दोनों इस फैसले पे एग्री नहीं कर रहे थे, सहमत नहीं थे। मतलब ज्यूरी एक है, ज्यूरी एक है, अगर सबका मत एक है, सबका डिसीजन एक है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ज्यूरी यहाँ भी है और ज्यूरी यहाँ भी है, यहाँ पे हमने वॉस कर दिया, यहाँ पे हमने वर कर दिया, ये प्लूरल ना प्लूरल वर्ब है आपका। क्यों किया? क्योंकि ज्यूरी तो है लेकिन they are divided at this point and could not agree to the verdict या to this verdict, जो भी verdict, जो भी decision, जो भी फैसला लिया गया है उस फैसले में उनका opinion, उनका जो भी मत है, opinion है, वो एक नहीं है, वो एक नहीं है, अलग अलग है। वो could not agree to the verdict, जो भी verdict, जो भी decision लिया गया है उसमें वो agree नहीं कर रहे, एक दूसरे से सहमत नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर आया तो ये आपका वर्ब जो होगा वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। कभी जैसे क्रिकेट टीम खेल रही है तो जब इंडियन टीम खेल रही है, पूरा टीम एक साथ खेल रही है एक ही काम को, प्लेइंग का काम, खेलने का काम पूरा टीम एक साथ कर रहा है तो द टीम इज प्लेइंग। लेकिन यही टीम अगर हमने कहा टीम के मेंबर्स सब अपने अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं तो टीम वहां पे भी है लेकिन सब अलग अलग काम एक साथ नहीं डिनर कर रहे, वो अपने बीवी के साथ, वो अपनी बीवी के साथ, वो अपनी बीवी के साथ डिनर कर रहे हैं तो ये भाई कोई अलग कुछ खा रहा है कोई, या एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहा है। टीम इंडियन टीम एंजॉय कर रहा है पार्टी, इंडियन टीम पार्टी इंजॉय कर रहे हैं तो इंडियन टीम पार्टी इंजॉय कर रहे हैं माने कोई गाना सुन रहा है, कोई जोक्स सुन रहा है, कोई कुछ, ये अलग अलग, ये इंडिविजुअली एक आदमी एक की काम नहीं कर रहा है, ये अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं तो वहां पे हो जाएगा आपका प्लूरल। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी कलेक्टिव नाउन में जैसे आया, कलेक्टिव नाउन में अगर हमें उस सेंटेंस से पता चल रहा है कि सबने एक डिसीजन लिया, जैसे ये दिया ज्यूरी वॉज वन एट दिस पॉइंट, इस मामले पे ज्यूरी एकमत थे, एकमत मतलब यहाँ पे हो गया वॉज सिंगुलर, और यहाँ पे ज्यूरी हमने बोला कि ज्यूरी इस पॉइंट पे अलग अलग थे, डिवाइडेड थे, उनका ओपिनियन अलग अलग था और एक दूसरे के साथ इस फैसले के साथ वो एग्री नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो अलग अलग हो गया तो यहाँ पे हमने कर दिया वर, ठीक है। यही चीज अगर कमिटी अगर आए कमिटी में हो जाएगा, जैसे द कमिटी the committee have plural ka hoga to the committee have taken the decision differently kar diya ya the committee have, या have क्यों आया, क्योंकि the committee have decision taken the decision but were divided in their opinion,
डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. उनकी ओपिनियन जो थी वो अलग अलग थी. कमिटी ने फैसला तो ले लिया लेकिन सबकी ओपिनियन, सबका राय, सबकी राय अलग अलग थी. तो कमिटी प्लूरल, सॉरी कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद भी यहाँ पे हमने कर दिया प्लूरल ना, प्लूरल वर्ब. प्लूरल वर्ब हो गया यहाँ, प्लूरल वर्ब हो गया. लेकिन यहाँ पे कमिटी एक ही काम कर रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया. ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, ज्यूरी, असेंबली, फ्लॉक ऑफ शीप, टीम, कुछ भी दिया जाएगा, तो वो देखिएगा सब लोग मिलके क्या एक ही काम को कर रहे हैं, तो वहां पे वर्ब जो होगा आपका, जो वर्ब होगा वो सिंगुलर में आएगा. और एक है तो कलेक्टिव नाउन लेकिन वो अलग अलग काम कर रहे हैं, उनकी ओपिनियन अलग है, वो काम अलग अलग कर रहे हैं, एक मत नहीं है, तो वहां पे आपका जो भी वर्ब होगा वो प्लूरल होगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सेंटेंस के जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वो दे दिया, आपको जो सेंटेंस एग्जांपल है वो मैंने आपको दे दिया. ठीक है, कमिटी, ज्यूरी, और इसके अलावा दूसरी चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन आई होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ज्यूरी वॉज वन, यहाँ पे ज्यूरी वर डिवाइडेड, डिवाइडेड था इसलिए वर आ गया, एक थे इसलिए वॉज आ गया. कमिटी ने डिसीजन लिया अपनी भलाई के लिए तो ये हैज हो गया, और कमिटी ने डिसीजन लिया लेकिन उनकी ओपिनियन सबकी अलग अलग थी इसलिए हैव आ गया. सिंपल, कुछ भी नहीं है. ओके, नाउ रूल नंबर 15, नेक्स्ट रूल 15, द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद द प्लूरल नाउन इन द डायरेक्शन ऑफ अ क्वांटिटी और अमाउंट नॉट बीइंग क्लियर. मतलब क्या हुआ, कोई भी अमाउंट, किसी भी अमाउंट, किसी भी रकम की बात हो रही हो, या भी किसी भी माइल्स, किसी डायरेक्शन में हमने बोला 32 माइल्स, 30 माइल्स, इतनी 30 मील, 40 मील, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में 30 माइल्स, 32 माइल्स, 40 माइल्स, 50 माइल्स, या फिर क्वांटिटी में बोल रहे हैं, कुछ कुछ भी होगा, जैसे 22 रुपीज या 100 रुपीज, तो ऐसी अगर चीजें आती हैं जो, तो वो उसके साथ आपका जो भी वर्ब होगा वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होगा. ठीक है, जैसे मैं सर एग्जाम्पल दे दे रही हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, जैसे मैंने दिया, यही बोल दे रही हूँ, 32 माइल्स, 32, 33, कुछ भी 32 माइल्स, देखने में प्लूरल लग रहा है, 32 माइल्स इज नॉट अ Not a long distance. 32 miles is not a long distance. 30 mil बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है. 32 miles is not a long distance. So 32 miles किसी direction में कोई भी चीज़ दिया है, direction दे रखा है, तो 32 miles is आएगा. अगर आपको ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं 32 miles plural है तो यहाँ r लगा दें. No, never do this thing. 32 miles, 50 miles, 100 miles, कुछ भी अगर एस करके आया है, ये डायरेक्शन बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हमेशा यू विल हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब. इज अ सिंगुलर वर्ब, राइट, सिंगुलर वर्ब यूज होगा. या फिर मैंने दिया 100 रुपीज, अमाउंट बोल रही हूँ, 100, इतनी रकम, अमाउंट बने रकम, 100 रुपीज इज not enough to buy this present. Present माने gift. Present माने present नहीं. Yes ma'am, शुरू करते हैं ना हाथ उठा के, present वाला नहीं. Present माने यह हो गया gift. ठीक है, 100 रुपीज देख के आप सोचेंगे, अरे 100 रुपीज एक से ज्यादा है, प्लूरल कर दे रहे हैं ना, आर लगा दे रहे हैं. नो, आर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा. ठीक है, बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इतना इजी है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बस थोड़ा सा रूल दिमाग में आ जाए तो फटाफट. क्वांटिटी, अमाउंट, या जो भी डायरेक्शन की बात हो रही है, अगर माइल्स है
तो 32 माइल्स डायरेक्शन बता रहा है, 100 रुपीज अमाउंट बता रहा है, इस तरह की चीजें अगर आएंगी तो एस को देख के डोंट गेट कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हमेशा हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा जो वर्ब होगा, ठीक है। हो सकता है स्पॉटिंग एरर में आपको दिया जाएगा आर, आपको जब एरर फाइंड करना होगा 2 माइल्स आर, 100 रुपीज आर, तो ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। यही चीज तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अरे 100 रुपए बहुत ज्यादा है तो आर नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये देखने में प्लूरल भले लग रहा है लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। अच्छा एक और रूल बता दे रही हूँ, रूल नंबर 16। अच्छा एक चीज और इसमें न्यूज लोग नहीं, रूल नंबर 16 में बता दे रही हूँ। रूल नंबर 16, सम नाउन्स, सम नाउन्स कैसे, सम नाउन्स कुछ नाउन्स जैसे हो गया मैथमेटिक्स हो गया और पॉलिटिक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट जो पॉलिटिक्स हो गया और न्यूज कर दिया या इनिंग्स कर दिया, ये चीजें सीनरी, इस ये सीनरी तो अलग से आएगा, सीनरी हाँ न्यूज सीनरी मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स इनिंग्स, ये देखने में सीम टू बी प्लूरल, सीम टू बी प्लूरल। सीनरी तो प्लूरल नहीं लगता है लेकिन सीनरी में एस नहीं लगता, सीनरी नहीं दे रही हूँ मैं प्लूरल में, सीनरी वाला अलग से बता दूंगी। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस यूज नहीं होता, सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, और क्या न्यूज हो गया, इन सब चीजों में, पोइट्री हो गया, इनमें एस नहीं लगता, वो अलग चीज है। सम नाउन मेथड इज पॉलिटिक्स न्यूज इनिंग्स, ये क्या देखने में लगता है एस लगा ना सब में, मतलब सबके सब प्लूरल है भाई, मैथमेटिक्स बहुत सारे मैथ्स, पॉलिटिक्स बहुत सारा पॉलिटिक्स, न्यूज बहुत सारा, नहीं बहुत सारा नहीं है, एक ही है। सीम्स टू बी प्लूरल, सीम्स टू बी प्लूरल, देख के लगता है प्लूरल, सीम्स टू बी प्लूरल बट यूज्ड एज अ सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो वर्ब भी, सो वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर, सो द वर्ब यूज्ड विल ऑल्सो बी क्या होगा, ऑल्सो बी सिंगुलर, सिंपल राइट। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, बहुत अच्छे कंफ्यूज होते हैं पॉलिटिक्स, अब आईएस आ गया तो आर कर दिया, नहीं होगा, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये आ गया, ये पॉलिटिक्स इज बीइंग टॉट हियर, ठीक है। और जैसे न्यूज का दे दिया, नो न्यूज, अब न्यूज में एस है तो हम प्लूरल नहीं करेंगे, नो न्यूज इज करेक्ट, कोई भी खबर सही नहीं है, नो न्यूज इज करेक्ट, कोई भी न्यूज सही नहीं है। अब यहां पे आपको आर करके दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे अगर आर करके दे दिया तो दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि एस से खत्म हो रहा है तो प्लूरल है, आर लगा देंगे, ये देखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये होते हैं सिंगुलर, ठीक है, ये होते हैं सिंगुलर, न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, ठीक है, इनिंग्स इस तरह से आया। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें देखने में प्लूरल लगता है, इनिंग्स के साथ भी हमेशा बच्चे प्लूरल कर देते हैं, इनिंग्स लॉस हो गया तो इनिंग्स वॉज लॉस्ट ना कि वर, कोई भी चीज एस करके, ये चीजें ही ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स इनिंग्स न्यूज ये सर्वे आएंगे तो इसके साथ अगर प्लूरल वर्ब आपका दिया है तो बिल्कुल केयरफुल रहिएगा, प्लूरल वर्ब दिया है मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा,
प्लूरल वर्ब अगर प्लूरल अगर देखने में लग रहा है देखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, इसका जब यूज होगा तो सिंगुलर की तरह ही यूज होगा. ठीक है, इतने रूल्स इनफ है इस वीडियो के लिए, मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ ये वीडियो. बच्चे कितना पढ़ेंगे भाई, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे ना. ठीक है, तो ये रूल्स मैंने आपको बता दिए. ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 रूल्स बता दिए विद एग्जांपल्स, और सबके मैंने दो दो एग्जांपल्स एटलीस्ट दे दिया है. तो आई होप आप लोगों को समझ में तो आया होगा. बिल्कुल आया है, आई एम श्योर अबाउट इट. एंड इस वीडियो को मैंने यहाँ खत्म कर रही हूँ. आई एम एंडिंग माय वीडियो हियर एंड वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू. और वन मोर रिक्वेस्ट आप लोगों से है, प्लीज प्लीज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले. बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा. ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचेंगी नहीं. मैं जो भी जब जब अपकमिंग वीडियोज में अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे, इसलिए दैट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. ओके, अच्छा अगर लगा होगा, अच्छा आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट भी करिएगा. ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. दो दो बार बोल दिया मैंने. ठीक है, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, यू आर माई फैमिली. ओके, सो फ्रेंड्स टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय.